बेयरिंग इंटू रिड्यूस्ड बेयरिंग, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगी, है ना, हाँ जी ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगी। चौथे क्वाड्रेंट में जो रिड्यूस बेयरिंग कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेयरिंग। तो अब 360 डिग्री माइनस 334 डिग्री करेंगे तो उतना हो रिड्यूस्ड बेयरिंग की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, 26 डिग्री। ठीक है, ठीक है। हाँ जी और क्वाड्रेंट कौन से लगेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, क्लियर है। हाँ जी उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्यू आर की होल सर्कल बेयरिंग कितनी है, 79 डिग्री 10 मिनट। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बराबर रिड्यूस्ड बेयरिंग होती है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 79 डिग्री 10 मिनट रिड्यूस्ड बेयरिंग की। क्वाड्रेंट क्या लगेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, पहले नॉर्थ लिखते हैं फिर ईस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट लग जाएंगे, क्लियर है ये। हाँ जी उसके बाद नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट जो सा है वो क्या है, 154 डिग्री 15 मिनट। 154 डिग्री 15 मिनट लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस क्वाड्रेंट हाँ में जी जब जब ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, रिड्यूस बेयरिंग कैसे निकलती है, 180 डिग्री माइनस जो भी होल सर्कल बेयरिंग गिवन रहती है। तो 180 डिग्री माइनस ये इसमें होल सर्कल बेयरिंग कितनी गिवन है, 154 डिग्री 15 मिनट, तो इसको माइनस करके ये बन जाएगा 25 डिग्री 45 मिनट, क्लियर है ये। क्वाड्रेंट हाँ जी कौन से लगेंगे, साउथ ईस्ट, देखो पहले साउथ लिखते हैं फिर ईस्ट लिखते हैं, साउथ ईस्ट, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हाँ दो जी सौ 254 डिग्री 254 डिग्री लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकलता है, रिड्यूस्ड बेयरिंग होती है, जितनी भी हमें होल सर्कल बेयरिंग गिवन होती है -180 डिग्री। तो अब इसमें होल सर्कल बेयरिंग कितनी है, 254 -180 डिग्री, ये रह जाएगा 74 डिग्री, ठीक है ये। तो हाँ जी सर क्वाड्रेंट लगेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। देखो आपने क्वाड्रेंट बिल्कुल सही लगाने हैं, क्योंकि अब देखो आपको पता लगेगा टेबुलर फॉर्म में, पहले हम पैराग्राफ में करते थे, रिड्यूस्ड बेयरिंग से ही नेक्स्ट लैटिट्यूड डिपार्चर निकलते हैं। मैंने आपको बोला था ना, सबसे पहले हम होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस्ड बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिड्यूस्ड बेयरिंग से हम हर लाइन की लैटिट्यूड डिपार्चर निकालते हैं। अब रिड्यूस्ड बेयरिंग से ही हमने हर चीज के लैटिट्यूड डिपार्चर निकालने हैं टेबल की फॉर्म में। अगर आपने रिड्यूस्ड बेयरिंग के क्वाड्रेंट सही लगाए होंगे तभी लैटिट्यूड डिपार्चर सही आएगा, उनकी साइन कन्वेंशन सही चलेंगी। अगर शुरू में कहीं मिस्टेक कर दी फिर आगे मिस्टेक पे मिस्टेक होती ही जाएगी, क्लियर है ये। अब हम आगे चलेंगे, अब हम ये रिड्यूस्ड बेयरिंग तैयार हो गई हमारे पास, अब हमने हर साइड की, मैंने आपको पहले भी बोला था, हर साइड की हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड निकालते हैं और डिपार्चर निकालते हैं। तो अब इसको हम टेबलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये लैटिट्यूड दिख रहा है सबको, अगला कॉलम क्या है, लैटिट्यूड का, ठीक है, क्लियर है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एल कॉस थीटा, यही पढ़ाया था पहले भी, है ना। लैटिट्यूड का फॉर्मूला होता है एल कॉस थीटा। अब लैटिट्यूड दो तरह के होते हैं, मैंने आपको समझाया, नॉर्थ वाले भी लैटिट्यूड होते हैं और साउथ वाले लैटिट्यूड होते हैं, यही समझाया था मैंने भी पहले आपको। नॉर्थ वाले जो से होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साउथ वाले नेगेटिव होते हैं, क्लियर है ये, क्लियर है। लैटिट्यूड के खाने में ही हमने आगे दो खाने बना लिए, पहला खाना नॉर्थ पॉजिटिव, दूसरा खाना साउथ नेगेटिव, क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रही है बात मेरी। हाँ जी सर उसके बाद नेक्स्ट बनेगा डिपार्चर। डिपार्चर का फॉर्मूला क्या कराया था, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। डिपार्चर दो तरह के होते हैं, ईस्ट और वेस्ट। अब डिपार्चर में ही दो खाने बनाए गए हैं, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट वाले डिपार्चर पॉजिटिव होते हैं, वेस्ट वाले डिपार्चर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पहले हम ये सारी चीजें पैराग्राफ फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे थे, अब इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं शो, डायरेक्टली कैलकुलेशन उस पैराग्राफ की तरह करके डायरेक्टली टेबल में वैल्यूज एंटर करी गई हैं। कैलकुलेशन में आपको साथ साथ समझाई जा रहा हूँ, क्योंकि गेल्स टेबल में वैल्यूज डाली जाती हैं, पैराग्राफ फॉर्म में तो आप कैलकुलेट करते हो, अल्टीमेटली बनाते हैं तो हम टेबल ही हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो हाँ जी सर अब हम क्या करेंगे, अब हम कली कली लाइन का लैटिट्यूड निकालेंगे और डिपार्चर निकालेंगे और उसको साथ के साथ टेबल में एंटर करी जाएंगे, मतलब फिल करी जाएंगे। सबसे पहले रिड्यूस्ड बेयरिंग है हमारे पास, सबसे पहले लैटिट्यूड का फॉर्मूला आता है एल कॉस थीटा। अब हम पी क्यू की लैटिट्यूड निकाल रहे हैं, पी क्यू में एल कितनी है, 48 मीटर, है ना, हाँ जी मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा। थीटा मैं आपको बार बार बोलता हूँ, थीटा रिड्यूस्ड बेयरिंग होता है, कॉस ऑफ 26 डिग्री, ठीक है जी। ये वैल्यू क्या आएगी, हाँ जी 43.14, ये वैल्यू क्या आएगी,
47.14, ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, ये जो वैल्यू आएगी 47.14। अब मैंने आपको बार बार बोला था कि जो अब हमने साइन कन्वेंशन देखनी है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब 43.14 वैल्यू आ गई, जो लैटिट्यूड लाई करते हैं वो करते हैं या तो नॉर्थ वाले होते हैं या साउथ वाले होते हैं, ये क्यों होते हैं। अब इसकी रिड्यूस्ड बेयरिंग में देखो, यहाँ पे नॉर्थ है कि साउथ है? नॉर्थ। नॉर्थ, तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी ये हमने नॉर्थ वाले खाने में कैलकुलेट करी, ठीक है, यहाँ लिखनी। हाँ जी। और यहाँ पे हमने प्लस का साइन डालना है क्योंकि ये सारे नॉर्थ वाले प्लस ही है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पे नॉर्थ में आ गया तो लैटिट्यूड इसका साउथ 0, क्रॉस मार देना, ठीक है जी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ QR। QR पहले हम सारे लैटिट्यूड निकालेंगे फिर हम दोबारा डिपार्चर निकालेंगे। लैटिट्यूड के लिए L cos थीटा, L वैल्यू कितनी है 64 मीटर, cos ऑफ थीटा, थीटा कितना रहेगा 79 डिग्री 10 मिनट, है ना। हाँ जी। वैल्यू बन जाएगी 12.03। वैल्यू लिखनी कहाँ पे, नॉर्थ के साउथ में, इसके क्वाड्रेंट में देखो नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ है नॉर्थ वाला, तो वैल्यू लिखनी यहाँ पे 12.03 नॉर्थ, वो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है ऊपर पॉजिटिव डाला है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे जो ऐसा साउथ है वो नेगेटिव है, ओके नेगेटिव नहीं सॉरी साउथ वाला 0 है, क्रॉस मारा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास RS, RS, RS में L cos थीटा करो, लैटिट्यूड निकाल रहे, L की वैल्यू क्या है 42.50, है ना, मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा, थीटा रिड्यूस्ड बेयरिंग कितना है 25 डिग्री 45 मिनट। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू बनती है 38.28। प्रॉब्लम ये है कि लिखनी कहाँ पे, अब लैटिट्यूड होते हैं या नॉर्थ या साउथ, इसमें साउथ वाला है कि नॉर्थ वाला है, साउथ, तो साउथ वाले में एंटर करेंगे वैल्यू 38.48 साउथ वाले खाने में, इसका नॉर्थ में कुछ नहीं है, यहाँ क्रॉस मार देंगे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एसपी, एसपी जो सा है वो कहाँ पे है, एल कॉस थीटा, एल है 56, कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है 74 डिग्री, सॉल्व करोगे ये बनेगा 15.44। अब इसमें लैटिट्यूड नॉर्थ वाला है कि साउथ वाला है, साउथ, तो इसको साउथ में लिखेंगे 15.44, ये पता ही लग रहा है ऊपर ये नेगेटिव है, यहाँ माइनस का साइन डाला तो इसका नॉर्थ वाला क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिपार्चर निकालेंगे, डिपार्चर ऐसे ही डिपार्चर निकालेंगे, हर लाइन का डिपार्चर निकाला जाएगा। डिपार्चर का फॉर्मूला होता है एल साइन थीटा, पहले पीक्यू में एल की वैल्यू क्या है 48 मीटर, मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 26 डिग्री, जो सॉल्व करके आया वो आया 21.04। अब ये बताओ डिपार्चर होते हैं यहाँ, यहाँ पे देखो ईस्ट होते हैं प्लस वाले, वेस्ट होते हैं नेगेटिव वाले, अब इसमें ईस्ट वाला है कि वेस्ट वाला है डिपार्चर, तो इसको वेस्ट वाले में लिखेंगे 21.04, ईस्ट वाले पे क्रॉस मार देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ QR में L साइन थीटा लगाओ, L कितना है 64 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 79 डिग्री 10 मिनट, सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 62.86। अब ये बताओ इसमें डिपार्चर ईस्ट वाला के वेस्ट वाला, ईस्ट, तो ईस्ट वाले डिपार्चर में हमने लिख देनी वैल्यू 62.86, ये पॉजिटिव डिपार्चर होते हैं, वेस्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, अब नेगेटिव नहीं सॉरी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ RS, RS में क्या है L 42.50 मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना 25 डिग्री 45 मिनट, है ना, तो इसको अगर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आ गई ये बन गया 18.46। अब ये ईस्ट वाला है डिपार्चर, तो ईस्ट वाला डिपार्चर पॉजिटिव होता है, यहाँ लिखेंगे हम ईस्ट वाले में 18.46, वेस्ट वाला इसका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो क्या है SP, SP में L है 56 मीटर मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा कितना है 74 डिग्री, वैल्यू आ गई 53.83। अब इसमें देखो ईस्ट है कि वेस्ट है डिपार्चर, वेस्ट है, तो वेस्ट वाला डिपार्चर हमेशा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव तो ऊपर हमने लिख ही दिया, तो इसको वेस्ट वाले खाने में लिख देना नेगेटिव 53.83, इसका मतलब यही है, ठीक है, ईस्ट वाला यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट, अब ये इतना टेबल सबको पता लग गया, आपको लाइन पता लग गई, लेंथ पता, होल सर्कल बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग पहले एक आप होल सर्कल बेयरिंग लेते हो उससे सारी होल सर्कल बेयरिंग वो भी बनानी पहले सिखा दी थी, होल सर्कल बेयरिंग से अगर ये डेक्लिनेशन आ जाए तो ये भी हो गया, उससे होल सर्कल बेयरिंग के बाद रिड्यूस्ड बेयरिंग कैसे बनानी है वो हो गया, रिड्यूस्ड बेयरिंग से लैटिट्यूड डिपार्चर कैसे निकालने है ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब देखो ध्यान से, ये लैटिट्यूड और डिपार्चर, अब हमने क्या करना है समीशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड निकालने और समीशन ऑफ ऑल द डिपार्चर निकालने,
पैराग्राफ फॉर्म में भी हम ऐसे ही करते थे, सिग्मा लैटिट्यूड और सिग्मा डिपार्चर निकालते थे, है ना। अब सिग्मा लैटिट्यूड देखो कैसे निकालना, विद साइन निकालना, जे वाले पॉजिटिव, हाँ जी, तो प्लस 43.14 प्लस 12.03, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी, माइनस 38.28 माइनस 15.44, क्लियर है। ये जितना भी वैल्यू आगे नीचे लिख देनी है, वैल्यू आती है समीशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू, प्लस में वैल्यू आती है 1.45, ठीक है। ये हो गया सिग्मा लैटिट्यूड बराबर किसके हो गया 1.45। नेक्स्ट करना है सिग्मा डिपार्चर, वो कैसे करेंगे, नेगेटिव 21.04 प्लस 62.86 प्लस 18.46 नेगेटिव 53.83, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया, प्लस में बनेगा ये 6.45, ठीक है। हाँ जी सर,